बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आप डॉक्टरों और हकीमों के ख़र्चों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, आपके जिंसी मसाइल और अज़्वाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारी टिप्स लेके आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी परेशानियां कम होती रहें। तो दोस्तों, आज वो भाई सामने आ जाएं जिनको 20-20 साल हो गए हैं और वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब शादी उनकी सामने आ गई है तो उनसे अपना अज़ू भी इस्तेमाल हो नहीं पा रहा। अज़ू बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अज़ू में ऐसी नरमी आ चुकी है कि वो महंगे महंगे नुस्खे भी इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अफाका बिल्कुल हासिल नहीं हो रहा। 50-50 हज़ार रुपए के नुस्खे इस्तेमाल कर चुका है, तब भी फायदा नहीं हो रहा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, परेशान होने की क्या जरूरत है यार आपको, जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। इस चीज को पहले इंश्योर कर लें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मैं आपको नुस्खे के बाद। वो बिल्कुल भाई मेरा ये नुस्खा ना देखे जो मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करेगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इतने ज़बरदस्त नुस्खे लेकर आपके लिए आता हूँ तो यार मेरे चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए ना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा टोटका बताने लगा हूँ, पानी के एक गिलास के अंदर एक छोटी सी चीज़ डालकर मेरे जिस भी भाई ने इसको पी लिया, जब तक जिंदा रहेगा वो यही दुआएँ देता रहेगा कि कमाल हो गया है हकीम साहब, इतनी सख्ती, इतनी ताकत और इतनी कुव्वत। और सबसे बड़ी बात यह कि दिल का मर्ज नहीं होगा इससे और जिस्म में कोई भी बीमारी है वो निकल जाएगी। ये आपके जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा मुदाफती निज़ाम पैदा करने वाला नुस्खा है, इसको आपने गौर से देखना और सुनना है। तो आइए नुस्खे का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक नीम गर्म गिलास पानी का ले लेना है, साथ ही आपने दो जवे लहसुन के कद्दूकश कर लेने हैं। फौरन से कद्दूकश करने के बाद वो जितने भी जवे कद्दूकश हुए होंगे वो आपने पानी के अंदर डाल देने हैं और इसके अंदर आपने एक चम्मच शहद की मिक्स कर देनी है और अच्छे तरीके से इसको हिला लेना है, इसको हल कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाए, पानी भी और शहद भी और लहसुन भी, तो फिर आपने मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रखना है कि लहसुन जो होगा वो मोटा मोटा होगा, वो जरा नीचे बैठ जाए। उसके बाद आपने वो पानी ऊपर ऊपर से पी लेना है, जो नीचे लहसुन बैठा हुआ है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, बस जस्ट आपने वो सिर्फ पानी पी लेना है और कुछ भी नहीं आपने करना। ये ताकत और कुव्वत में तो इजाफा करेगा, आप में बहुत ज्यादा ताकत भी ला देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह के वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करते हैं, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह के वीडियोस आपकी रहनुमाई के लिए मिलते रहें। इजाज़त दें, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।